मोदी जी, हम वीर सावरकर की औलाद नहीं, हम टीपू सुल्तान की औलाद है। ट्रिपल तलाक के नाम पर शरीयत में मना की लत हुई, आपका स्टैंड क्या था? वीर की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी से लड़ते लड़ते इस मुल्क पर अपनी जान को कुर्बान करने की तारीख रखने वाले हम मुसलमान हैं। जब एक मुसलमान के हाथ में हुकूमत आई तो उसने अपनी बहनों के साथ इंसाफ किया, और तारीख ये भी देख रही है कि जब तुम्हारे हाथ में हुकूमत आई तो तुमने हिजाब पहन के नाम पर हमारी बहनों के सरों को नंगा करने की कोशिश की। ऐसे एजुकेशन को जूते की नोक पर रखते हैं जो बात सोचा करे कौन से छीन रहा है। तो हमारे लिए रहेगा इंशाल्लाह, हम उसके लिए वोट करेंगे, उसके अलावा हम वोट करेंगे। आज से पहले हिंदुस्तान के अंदर दलित बहनों को अपनी छाती छुपाने की भी इजाजत नहीं थी। This video sponsored by Manyalin. Open bed, AC and non-AC lodge, Wi-Fi connection facility, separate locker, 24/7 hot and cold water, deluxe stay and much more. Address supermarket, opposite Chetan School, Gulbarga. स्टेज पर बैठे तमाम हमारे लीडर के सामने एक नाम पेश करना चाहता हूँ, नंगेरी। ये नाम शायद आज से पहले आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ये एक ही बात आपके सामने कहकर अपनी जगह लूंगा, ये नंगेरी जो नाम है ना, ये तारीख का बहुत मजबूत नाम है, तारीख का बहुत बड़ा नाम है। केरला की सरजमीन पर उठने वाला ये एक इनकलाब है नंगेरी नाम का। आज से पहले हिंदुस्तान के अंदर दलित बहनों को अपनी छाती छुपाने की भी इजाजत नहीं थी, उनसे ब्रेस्ट टैक्स के तौर पर पैसे लिए जाते थे। अगर उन्हें अपने ऊपर का हिस्सा कवर करना है, सोच के देखो कितने गंदे कानून हिंदुस्तान के अंदर थे। जब नंगेरी नाम की इस महिला के घर पर वहां का तहसीलदार पहुंचा कि तुमने ब्लाउज किस तरह पहना, तुम निचली जात की औरत हो, तुम्हें ब्लाउज पहनने का इख्तियार नहीं है, तुम्हें ब्लाउज पहनने की परमिशन नहीं है। ये कर्नाटक के अंदर मैसूर स्टेट के अंदर जब हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुल्तान बनकर अपनी पार्लियामेंट की शुरुआत की, टीपू सुल्तान शहीद जा रहे थे, आपने देखा कुछ औरतें अधनंगी हालत में, यानी उनके पेट से उनके ऊपर कुछ कवर नहीं है, अधनंगी हालत में फिर रही हैं। टीपू सुल्तान ने अपने सिपाहियों से पूछा कि कौन सी औरतें हैं जो इस तरीके से फिर रही हैं, तो आपने कहा कि ये निचली जाति के लोग हैं, इन्हें अपनी बॉडी को पूरी तरीके से कवर करने की इजाजत नहीं। पहली टीपू सुल्तान की पार्लियामेंट लगती है, उस पहली पार्लियामेंट के अंदर पहला जो रेजोल्यूशन होता है हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह तमाम खवातीन को इक्वल राइट्स और तमाम की तमाम औरतों को कपड़े पहनने का इख्तियार अगर किसी ने दिया है, अपने चेहरे को अपने तमाम चीजों को छुपाने का अगर इख्तियार किसी ने दिया है वो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह है। ये तारीख ने देखा है और अपने अपने सफात में इसको कलमबंद किया कि जब एक मुसलमान के हाथ में हुकूमत आई तो उसने अपनी बहनों के साथ इंसाफ किया, और तारीख ये भी देख रही है कि जब तुम्हारे हाथ में हुकूमत आई तो तुमने हिजाब पहन के नाम पर हमारी बहनों के सरों को नंगा करने की कोशिश की। लेकिन मैं सलाम करता हूँ अपनी उन बहनों को जिन्होंने इस बात का ऐलान किया, ऐसे एजुकेशन को जूते की नोक पर रखते हैं जो बात सोचा करे कौन से छीन रहा है। आप लोगों को मुत्तहिद होना होगा, एक होना होगा, इलेक्शन करीब है। मैं किसी सियासी जमात से नहीं, ना मैं कांग्रेस पार्टी से, ना मैं जनता दल सेकुलर से, मैं किसी सियासी जमात से नहीं, कोई भी पार्टी आपके दरवाजे पर अगर आए नौजवानों, पहला सवाल उनसे करना कि जब हमारी बहनों के सरों से चादरों को छीना गया आपका स्टैंड क्या था? ट्रिपल तलाक के नाम पर शरीयत में मदाखिलत हुई, आपका स्टैंड क्या था? एनआरसी के नाम पर हमसे जब इस मुल्क के होने का सबूत मांगा गया आपका स्टैंड क्या था? जो हमारे लिए लड़ेगा इंशाल्लाह हम उसके लिए वोट करेंगे, उसके अलावा हम वोट करेंगे। हमसे एनआरसी में सबूत मांगा गया कि तुम इस मुल्क के हो साबित करो। मोदी जी, हम वीर सावरकर की औलाद नहीं, हम टीपू सुल्तान की औलाद है, हम टीपू सुल्तान के वंशज हैं।
टीपू सुल्तान से ही एक जुमला कह के अपनी जगह लूंगा, बोलने वाले बहुत हैं। जब हजरत टीपू सुल्तान जहर की नमाज अदा करते हैं, अपने किले में हैं, खाने का लुकमा उठाते हैं, फौज आती है कहती है कि अंग्रेजों ने हमला कर दिया, अंग्रेजों ने हमला कर दिया। खाने के लुकमे को हजरत टीपू सुल्तान शहीद ने प्लेट में वापस रखा और अल्लाह की तरफ देखकर कहा, मौला जब इस मादरे वतन को इस अंग्रेजों से छुटकारा दिला दूंगा उस वक्त ये लुकमा अपने अपने पेट में जाएगा। हजरत टीपू सुल्तान अपनी मियान से तलवार को निकालकर किले के बाहर जाते हैं, अंग्रेजों से लड़ते हैं, कई अंग्रेजों को वासिले जहन्नम करने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब आपके बॉडीगार्ड ने आपसे कहा, टीपू सुल्तान इन सिपाहियों के सामने कह दीजिए कि मैं टीपू सुल्तान हूं, अपनी शनाख्त जाहिर कर दीजिए, ये लोग आप पर हमला नहीं करेंगे। तो उस वक्त अगर टीपू सुल्तान ने जो जुमले कहे थे आज वो तारीख की किताबों में सुनहरे हरफों में लिखे गए। जब ये लफ्ज हजरत टीपू सुल्तान के गार्ड ने हजरत टीपू सुल्तान से कहा ना, तो हजरत टीपू सुल्तान ने कहा था, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी से लड़ते लड़ते इस मुल्क पर अपनी जान को कुर्बान करने की तारीख रखने वाले हम मुसलमान हैं, हमने इस मुल्क को अपना खून लिया और इस मुल्क को सींचा है। कभी कभी हमने हिंदू भाइयों के खिलाफ नहीं कहा, कभी हमने दलित भाइयों के खिलाफ नहीं कहा। आज हिंदू भाई, मुसलमान भाई, दलित भाई, सबको मिलकर हाथ से हाथ मिलाना है और इन कम्युनल ताकतों को कहना है कि कल भी ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का गहवारा था और आगे आने वाले दिनों में भी इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब चलेगी। इस बात का आज़म लेकर आज हमें यहाँ बैठना। आज हमारे बीच में प्रिंस मंसूर अली साहब हैं, वह यहाँ पे जेडीएस के भी लीडर्स हैं, कांग्रेस के भी लीडर्स हैं। आपसे कहना चाहता हूँ, जब वडियर फैमिली के वंशज को उनका हक मिल सकता है, निजाम फैमिली के वंशज को उनका हक मिल सकता है, तो आज भी टीपू सुल्तान की औलाद कलकत्ता में क्यों है, कर्नाटका में क्यों उनको नहीं लाया गया, इस बात का जवाब आप लोगों को देना है। मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से, कर्नाटका में उनका इस्तकबाल किया जाए, उन्हें लाया जाए और उसी शानो शौकत के साथ बसाया जाए जिस शानो शौकत से हमारे सुल्तान ने इस मुल्क पर अपनी गर्दन को कुर्बान करके कयामत तक के आने वाले मुसलमानों की वफादारी का सबूत पेश किया था। बाकी